देवघर के स्टेडियम के मैदान में सोमवार की देर शाम कबड्डी प्रीमियर लीग का रंगारंग आगाज हुआ। झारखंड में कबड्डी खेल को लेकर ऐसा आयोजन पहली बार किया जा रहा है। लीग का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि देवघर विधायक नारायण दास और अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर देवघर एसडीओ दिनेश यादव ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर देवघर विधायक नारायण दास ने कहा कि केपीएल जैसे आयोजन के लिए डीएसए और कबड्डी संघ तथा प्रायोजक साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने प्रतियोगिता को खेल भावना से खेलने की अपील करते हुए कहा कि खिलाड़ी अगर जज्बा के साथ खेले तो हार भी एक उपहार है। जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम होगी। पूरे तन मन से यहाँ के लोगों ने, यहाँ के आयोजकों ने पहली बार देवघर की धरती पर बाबा वैद्यनाथ की धरती जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम होगी। पूरे तन मन से यहाँ के लोगों ने, यहाँ के आयोजकों ने पहली बार देवघर की धरती पर बाबा वैद्यनाथ की धरती पर केपीएल कबड्डी प्रीमियर लीग मैच कराने का काम किया है और 6 टीम भाग ले रही है और आयोजकों ने भी बढ़ चढ़ के काम किया है, हिस्सा लिया है। मेरी सारी शुभकामनाएं हैं, खेल अनुशासित होके आप लोग खेलें और सभी खिलाड़ियों को, सभी टीमों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और पूरे आयोजकों को, चाहे वो गुरुद्वारा ग्रुप हो, केपीएल ग्रुप हो, डीएसए हो, जिन्होंने अपने आप को एक सूत्र में पिरोया है, ये देवघर के लिए बहुत बड़ा संकेत है, एक अच्छा संकेत है। और ऐसा मेरा मानना है कि देवघर से खिलाड़ी पैदा होंगे और राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे और देश और दुनिया में देवघर का नाम आएगा। और देवघर की बात मिलाती है, यहाँ जो अपनापन है, यहाँ जो सौहार्द है, यहाँ जो एक दूसरे के प्रति चाहत है, उसी का परिणाम है कि बाबा वैद्यनाथ की धरती पर अद्भुत केपीएल टूर्नामेंट किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम सबों के बीच उपस्थित आज के विशिष्ट अतिथि देवघर अनुमंडलाधिकारी श्री दिनेश यादव जी, मंच पर सभी महान मूर्ति आशीन है, लेकिन कुछ लोगों का नाम लेना निश्चित मैं चाहूंगा। जो कि मेरी एक परिकल्पना थी, क्योंकि आज से मुझे 3 वर्ष पहले जब रांची मैंने प्रो कबड्डी मैच देखा था, तो ये मैं आके डिस्कस किया अपने टीम के साथ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे देवघर के खिलाड़ियों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि जब वो ऊपर खेलने जाते हैं तो वो प्रेशर को शायद वो सह नहीं पाते हैं और वो परफॉर्मेंस, प्रतिभा होने के बावजूद भी परफॉर्मेंस नहीं आ पाता। तो एक हम लोगों का प्रयास है कि प्रो कबड्डी के थ्रू फ्रेंचाइजी हमें अच्छे अच्छे मिले हैं, प्लेयर को ऑक्शन के थ्रू उन्होंने परचेस किया है और हमारे स्पॉन्सर लोग बहुत मदद कर रहे हैं। इससे खिलाड़ियों को क्या होगा कि आर्थिक मदद भी मिलेगी और उन्हें किट वगैरह की भी सारी जो सुविधा है वो उनको मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि उनका उत्साह बढ़ेगा और उम्मीद है कि इससे अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। और मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि आने वाले समय में हमारे यहाँ से प्रो कबड्डी में खिलाड़ी जाएगा। इस बार झारखंड से भी ऑक्शन में प्लेयर गए हैं बोकारो के, और उम्मीद है कि इस बार देवघर की धरती से जाएगा। थैंक यू। आज इसका आगाज हो रहा है, 27 तारीख को चलेगी, तो सभी टीम्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरी एनर्जी के साथ खेलें, अच्छा खेलें, अच्छी प्रतिस्पर्धा अपने रखें और पॉजिटिव स्पिरिट के साथ खेलें। और डीएसए खासतौर पर बहुत बधाई के पात्र हैं और कबड्डी एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं जो है सभी बहुत बधाई के पात्र हैं कि कबड्डी जैसे खेल को, जिसके बारे में बोला भी जा रहा था, इसको इस ऊंचे पटल पर रखा है। और न केवल ये एक स्पोर्ट्स प्रतियोगिता है बल्कि हम अपनी संस्कृति को भी इससे आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे अधिकतर खेल जो आज की दुनिया में खेले जाते हैं, अधिकतर का ओरिजिन जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में है, चाहे वो क्रिकेट को ले